अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। आज हम लोग दोनों मच्छी को फ्राई करने वाले हैं, बांगड़ा मच्छी और एकरू मच्छी। बांगड़ा मच्छी और एकरू मच्छी को हम लोग अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसका मसाला है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, और एक कूटा हुआ मिर्ची है 1/2 टीस्पून, रोस्टेड जीरा है वो भी 1/2 टीस्पून है, सॉल्ट अपने हिसाब से लीजिए और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये 2 लेमन जूस है। दैट्स इट। ये है फिश फ्राई का मसाला, एकरू फिश और बांगड़ा मच्छी। देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नींबू का रस है ये, थोड़ा सा तेल, ये मसाले को अच्छे से मिक्स करना। वे एकरू और बांगड़ा मच्छी, ये दोनों मच्छी का मसाला है। मसाला बहुत अच्छे से हो चुका है, अब बारी है मसाला लगाने की। कटनी किए क्या तुम लोग चाकू से? नहीं किए, ऐसा भी कटिंग करते हैं, ये बार हम लोग नहीं किए। मसाला मस्त लग गया। देखो मच्छी को कट भी लगा सकते, नहीं भी लगा सकते। देखो हम लोग ने मच्छी को, उसको हम लोग ने कटनी लगाए, और ये मच्छी को हम लोग ने कट लगाए। अपने हिसाब से बना सकते हैं आप लोग फ्राई मच्छी की। मुझे तो कट लगता है ना, तो मेरे को लगता है मेरे को उसमें का मसाला का बहुत अच्छे से जाता है मच्छी पे, तो मुझे कट वाला मच्छी जो फ्राई होता है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अपनी अपनी चॉइस है। ये देखो इसको अच्छे से मैंने कट करके अच्छे से मैंने लगाई हूँ मसाला। अभी इसको मैंने नई कटिंग करी हूँ, इसको ऐसी सादा में लगाई हूँ। आपको जैसा चाहिए आप लोग ऐसा फ्राई कर सकते हैं। देखो बांगड़ा मच्छी को अच्छे से मसाला लग चुका है, इसको हम लोग आधा घंटा मैरिनेट के लिए रख देंगे, इसके बाद में फ्राई करेंगे। साथ ही साथ एकरू मच्छी को भी मसाला अच्छे से लग चुका है, दोनों को रख देंगे आधा घंटे के लिए मैरिनेट के लिए, इसके बाद में हम लोग फ्राई करेंगे। देखो मच्छी को मैरिनेट हो गया, हम लोग ने बोले आधा घंटा, तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, बहुत अच्छे से हो गया है मैरिनेट। अभी हम लोग उसको फिश फ्राई करेंगे, वो भी हम लोग रवा पे करने वाले हैं। आप लोग आटा से भी कर सकते हैं, चावल के आटे से, लेकिन हम लोग ने अभी डिसाइड किए कि हम लोग रवा से फ्राई करेंगे। देखो रवा अच्छे से लगाना, भर भर के लगाओ रवा मस्त मच्छी पे। इसको झटक देना, ऐसा मतलब जितना लगे उतना लगा देना है ना। हाँ, और जितना रवा लगा है तो रवे को ऐसा इसको झटक देना, ऐसा जितना रवा लगा है वो नीचे गिर जाएगा। बांगड़ा रवा फ्राई। इसके पहले भी हम लोग बांगड़ा मच्छी बनाए थे, रवा फ्राई बनाए थे, मेरे को अभी याद नहीं है। इस बार हम लोग ने डिसाइड किया कि रवा फ्राई करेंगे। देखो अच्छे से फ्राई हो चुका है बांगड़ा मच्छी, बस सेम प्रोसेस अप्लाई कीजिए।
अभी एक रू मच्छी की बारी है, इसी को भी सेम तरीके से फ्राई करना है जैसा नॉर्मली हम लोग अभी बांगड़ा फ्राई किए। देखो बांगड़ा फ्राई हो चुका है, इतनी सात मच्छी थे, उन्होंने सातों मच्छी को फ्राई कर दिए। अब बारी है एक रू फिश की। जब एक रूप इजी हो गया है बस हम लोग का रेसिपी कंप्लीट हो गया है, बांगड़ा मच्छी और एक रू मच्छी का। बांगड़ा रवा फ्राई, एक रू रवा फ्राई फिश इज कंप्लीटेड नाउ। माशाल्लाह देखो कितना ब्यूटीफुल फ्राई हुआ है, बांगड़ा मच्छी और एक रू मच्छी, बांगड़ा रवा फ्राई, एक रू रवा फ्राई, ब्यूटीफुल डन। बांगड़ा रवा फ्राई, एक रू रवा फ्राई, मसालेदार फिश फ्राई हो चुका है। प्लीज डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफाइड माई नेक्स्ट वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।